नमस्कार दोस्तों, जीरो टू हीरो डीजल मैकेनिक की सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं दोस्तों डीजल मैकेनिक की, जो हमने जीरो से हीरो सीरीज में हम कवर करेंगे दोस्तों। एक महीने के भीतर हम जो इम्पोर्टेंट ये बुक है उसके रेफरेंस भर के हम जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको कवर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर करे शुरुआत करते हैं। हमने लगभग आधा आधी बुक कवर कर चुकी है आपकी, आधी से ज्यादा बुक आपकी कवर हो चुकी है, थोड़ा सा बस बचा हुआ है पार्ट। ठीक है, डीजल डीजल इंडक्शन सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका इनके क्रम से, जो पार्ट्स दिए हुए हैं इनके क्रम से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जैसे देखिए इंडक्शन सिस्टम में क्या होता है, इंडक्शन सिस्टम जहां से वायु आपके डीजल इंजन के अंदर प्रवेश करती है वह सारा सिस्टम इंडक्शन सिस्टम में आता है। ठीक है, अब इसमें आपको याद रखे रखना है ऑब्जेक्टिव कैसा बनेगा। जैसे ये नाम दिया है ना, एयर क्लीनर, टर्बो चार्जर, इंडक्शन मैनिफोल्ड, ये आपको एक क्रम में दे दी जाएंगे। ठीक है, एयर क्लीनर, इंडक्शन मैनिफोल्ड, इंडक्शन वाल्व, इनलेट वाल्व, इस प्रकार का, और आपको बोलेगा इनको निम्न को सही क्रम कौन सा है। तो आपको सही क्रम याद रखना है, सबसे पहले होता है एयर क्लीनर जहाँ से वायु क्लीन होती है, उसके बाद जाती है टर्बो चार्जर में, टर्बो चार्जर के बाद जाती है इंडक्शन मैनिफोल्ड, फिर इनटेक पोर्ट, फिर इनलेट वाल्व और कंबसन चैम्बर पे यहाँ वायु पहुंच जाती है। ये हुई बात इंडक्शन सिस्टम की या इनलेट सिस्टम की। ठीक है, ठीक उसी प्रकार होता है एग्जॉस्ट सिस्टम। एग्जॉस्ट सिस्टम में वायु कहाँ जाती है, पहले इंजन से, ये वायु कहाँ रहती है, इंजन सिलेंडर में रहती है, फिर उसके बाद एग्जॉस्ट कैसे कहाँ जाती है, आपके एग्जॉस्ट पोर्ट से होती है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में जाती है, फिर टर्बाइन में जाती है, कैटेलिक कन्वर्टर में जाती है, मफलर में जाती है, टेल पाइप में जाती है, फिर एटमोसफेयर में छोड़ दी जाती है। अब आपको याद रखना है दोस्तों, जो मफलर होता है वो कहाँ लगा होता है, कैटेलिक कन्वर्टर के बाद लगा होता है। इसी प्रकार कैटेलिक कन्वर्टर कहाँ लगा होता है, टर्बाइन और मफलर के बीच में लगा हुआ होता है। ऐसे आपको घुमा घुमा के यहाँ क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कि निम्न में से आपको पार्ट का नाम दे देगा, ये कहाँ लगा हुआ होता है, किन दो पार्ट के बीच में लगा हुआ होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ इस टॉपिक से बनते हैं। आगे बात करें दोस्तों एयर कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर आप जानते हैं, एयर कंप्रेसर जो होगा उसका काम क्या होगा, एयर को कंप्रेस करना। ठीक है, यह सिंगल सिलेंडर टाइप का होता है। ठीक है, सिंगल सिलेंडर टाइप का होता है जिसमें एक सिंगल सिलेंडर रहेगा और पिस्टन असेंबली रहेगी। इसका कूलिंग सिस्टम जो होगा वो एयर कूलिंग सिस्टम में यह काम करेगा। ठीक है, और उसके बाद किसका काम क्या है, इंजन लुब्रिक, और यह सर जो लुब्रिकेशन इसका किसके द्वारा होगा, इसका लुब्रिकेशन होगा आपके इंजन के जो लुब्रिकेशन ऑयल है उसी द्वारा इसका लुब्रिकेशन किया जाएगा। अब आपको एग्जॉस्टर में याद रखना है दोस्तों, एग्जॉस्टर क्या करता है, वैक्यूम बनाने का काम करता है। ठीक है, तो जहां एग्जॉस्टर वर्ड आए वो एग्जॉस्टर मतलब कंप्रेसर का ठीक विपरीत, कंप्रेसर वायु को कंप्रेस करेगा तो एग्जॉस्टर क्या करेगा, वैक्यूम बनाएगा। ठीक है, क्या करता है, इस वैक्यूम का प्रयोग क्या करते हैं हम, न्यूमेटिक गवर्नर जो होता है उसको चलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, अब बात करते हैं सुपर चार्जर की। ठीक है, यहाँ से आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट चालू होता है। सुपर चार्जर क्या होता है दोस्तों, समझिए, जो डीजल इंजन होता है उसमें ना केवल वायु प्रवेश कराई जाती है। ठीक है, तो ये सुपर चार्जर का काम क्या होता है, सुपर चार्जर क्या करते हैं, आपके ना जो आपका एयर है उसको अधिक मतलब वायुमंडलीय प्रेशर से अधिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर से अधिक प्रेशर के साथ किसके साथ, किस में भेज देते हैं, आपके इंजन के भीतर भेज देते हैं, जिससे कि इंजन की कैपेसिटी या इंजन की जो कारकर्णी क्षमता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब सुपर चार्जर क्या होते हैं, सुपर चार्जर जो होंगे अलग अलग टाइप के होंगे, सेंट्रिफ्यूगल टाइप, वेंट टाइप और रूट एयर ब्लोअर टाइप। ठीक है, सुपर चार्जर की आवश्यकता क्यों हो रही है, देखिए जो चार्ज है, चार्ज क्या होगा, डीजल इंजन में केवल वायु और पेट्रोल इंजन में वायु तथा डीजल का मिश्रण। ठीक है, वायु तथा पेट्रोल का मिश्रण। ठीक है, अब जो सुपर चार्जर होते हैं वो क्या करते हैं, वायुमंडलीय प्रेशर से ज्यादा प्रेशर पर वायु को अंदर भेजते हैं, मतलब जितनी अब क्या होती है वायु को अधिक, जितनी वायु अंदर जाएगी, जितनी ज्यादा वायु उतने अंदर जाएगी उतनी हमको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ेगी, आयतनिक दक्षता जो होगी उतनी उतनी ही ज्यादा आपको मिलेगी। ठीक है, जिससे इंजन की पावर ओवरऑल बढ़ जाती है। ठीक है, ये तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों, सेंट्रिफ्यूगल टाइप, वेंट टाइप, रूट एयर ब्लो टाइप। जब भी नाम आए तो याद रखना है, इनके डायग्राम आपको याद रख लेना है पूरी तरह से। ठीक है, ये है आपका सेंट्रिफ्यूगल टाइप का सुपर चार्जर, ये है आपका वेंट टाइप का सुपर चार्जर। ठीक है, और ये है आपका रूट ब्लोअर टाइप का सुपर चार्जर। अब इसके सबके जो है ना, इन तीनों प्रकार के जो सुपर चार्जर है इनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, जिससे बल में आपका क्वेश्चन बनता है। रूट ब्लोअर टाइप में आपका क्वेश्चन बनता है कि जो उसका रोटर होता है वो एक दूसरे के ठीक, इसमें दो रोटर होते हैं और एक दूसरे के ठीक अपोजिट दिशा में घूमते हैं। ठीक है, सेंट्रिफ्यूगल चार्जर में क्या होता है, जो इनलेट होता है वो ठीक बीचों बीच में होता है। ठीक है, और आपका जो वेंट टाइप का, वैन टाइप के क्या होंगे, एक एसेंट्रिक वैन होती है, मतलब वैन लगी होती है जो कि एसेंट्रिक ड्रम में घूमती है। ठीक है, याद रखना है। अब इनके कुछ फायदे हैं और कुछ घाटे हैं, इनको अपन को याद रखना है। ठीक है,
रूट टाइप का सुपर चार्जर है, याला रूट टाइप का सुपर चार्जर। इसका क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है इसका, सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है और उसको लेस मेंटेनेंस लगती है। सेंट्रीफ्यूगल टाइप का जो सुपर चार्जर है उसकी क्या होती है, वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी रहती है, खराब होती है, मतलब उतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। और वैन टाइप के सुपर चार्जर प्रॉब्लम ये आती है, क्या होता है वैन टाइप का सुपर चार्जर में, ये क्या होता है जल्दी से खराब, मतलब इसकी जो वैन होती है वो घिस जाती है। अब बात करते हैं टर्बो चार्जर की। टर्बो चार्जर क्या होता है, सुपर चार्जर ही जैसा होता है, बस इतना होता है कि सुपर चार्जर को हम किसकी मदद से चलाते हैं, इंजन की मदद से, मतलब इंजन का एक हिस्सा, इंजन की पावर का एक हिस्सा सुपर चार्जर को चलाने में जाता है। जबकि टर्बो चार्जर क्या होता है, टर्बो चार्जर जो इंजन की बेस्ट गैसेस हैं अर्थात एग्जॉस्ट गैसें, उसके द्वारा चलाया जाता है, जिससे इंजन की पावर बढ़ती है और इंजन की ताकत टर्बो चार्जर को लगाने में खर्च नहीं होती, ठीक है। बात करें दोस्तों इंटरकूलर की, ठीक है, अभी टर्बो चार्जर की डिटेल आगे हम बढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। टर्बो चार्जर डिटेल हम अभी थोड़े, एक अलग ही चैप्टर आएगा टर्बो चार्जर का, उसमें हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अभी इंटरकूलर क्या होता है देखो, समझना दोस्तों क्या होता है टर्बो चार्जर का काम क्या है। देखिए ये आपको एक डायग्राम बनाया गया है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, इंजन सिलेंडर से जो एग्जॉस्ट गैसें निकलती है, एग्जॉस्ट गैसें कहाँ जाती है, ये देखिए एग्जॉस्ट गैसें यहाँ से निकलेगी और कहाँ जाएगी, टर्बो चार्जर में जाएगी। और टर्बो चार्जर कैसा करेगी, टर्बो चार्जर को घुमाएगी, टर्बो चार्जर घुमाएगी, टर्बो चार्जर क्या करेगा, आने वाली जो इनलेट गैसें हैं उसको कैसा करेगा, कंप्रेस कर देगा। अब कंप्रेस जब गैसों को कर देता है, आने वाली एयर को जब ये कंप्रेस कर देता है, तो एयर कैसी हो जाती है, कंप्रेस होने के दौरान गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो इसको कैसा करना पड़ता है, जो ठंडी करके कहाँ भेजना होता है, इंजन के भीतर भेजना होता है। जब इंजन के भीतर ठंडी करके भेजी जाती है तो क्या होता है, ये मतलब जब जो ठंडी एयर होती है वो ज़्यादा डेंस होती है, मतलब गर्म वायु की तुलना में ठंडी वायु ज़्यादा डेंस होती है या सघन होती है। और जितनी आपके इंजन में जितनी सघन वायु, मतलब जितनी अधिक मात्रा में वायु जाएगी, उतना ज़्यादा आपका हॉर्स पावर आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसलिए इंटरकूलर का प्रयोग किया जाता है। अब इंटरकूलर में एक क्वेश्चन कहाँ बनता है, इंटरकूलर में क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि इंटरकूलर कहाँ लगाया जाता है। तो इंटरकूलर हमेशा कहाँ लगाया जाता है, टर्बो चार्जर के बाद, और टर्बो चार्जर एवं जो इंजन का इनलेट है उनके बीच में ही यह इंटरकूलर लगाया जाता है, ठीक है। आई बात दोस्तों समझ रहे। तो अब ये देखो क्या होगा, सबसे पहले आपको अपन ने एक क्रम पढ़ा, तो सबसे पहले होगा एयर फिल्टर, एयर फिल्टर के बाद होगा टर्बो चार्जर, टर्बो चार्जर के बाद जो कंप्रेस होकर वायु कहाँ जाएगी, इंटरकूलर में, इंटरकूलर के बाद कहाँ जाएगी, ये इंजन के भीतर जाएगी। और इंटरकूलर किसकी तरह दिखाई देता है, आपको एक रेडिएटर की तरह दिखाई देता है, बस इसमें अंतर इतना है कि इंटरकूलर कैसे ठंडा होता है, या ठंडा होता है वायु से, ठीक है। जबकि रेडिएटर ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, पानी का इस्तेमाल भी करते हैं और वायु और पानी उसमें लगा हुआ होता है, जबकि इंटरकूलर में केवल वायु ही हीट एक्सचेंज करती है, ठीक है। बात करें टर्बो चार्जर की, ठीक है, अभी मैंने बताया था टर्बो चार्जर का उपयोग क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ एयर है, ठीक है, अंदर जब बहने वाली जो वायु है उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए इंटरकूलर का प्रयोग किया जाता है, जिससे इंजन में पहुंचने वाली वायु जो होती है डेंस वायु पहुंचती है और इंजन की पावर बढ़ती है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज होती है, ठीक है, जो आपका मतलब जो टर्बो चार्जर, उसमें तीन चीज होती है। देखो ये टर्बो चार्जर आपको दिखाया गया है, ठीक है, इसमें याद रखें दोस्तों एक ही सिंगल शाफ्ट होगी, सिंगल शाफ्ट के एक और क्या लगा होता है आपका, एक और लगा होता है कंप्रेसर, एक और लगा होता है टर्बाइन, ठीक है, ठीक है। अब ये लगा कहाँ होता है टर्बो चार्जर कहाँ होता है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में लगा हुआ होता है। सबसे पहले इसकी लोकेशन पूछता है, तो टर्बो चार्जर कहाँ लगा रहेगा आपका, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में लगा हुआ होता है। इसमें क्या होता है, सेम शाफ्ट होती है, मतलब एक ही शाफ्ट होती है, और उसी शाफ्ट में टर्बाइन व्हील लगा होता है और कंप्रेसर व्हील लगा होता है। एक कंप्रेसर व्हील है, दूसरा क्या लगा हुआ, टर्बाइन व्हील। अब क्या होता है, जब गैसें बाहर निकलती है, जब एग्जॉस्ट गैसें बाहर निकलती है, ये डायग्राम दिया गया है, सीमेटिक डायग्राम दिया गया है दोस्तों, जब क्या होता है एग्जॉस्ट गैसें बाहर निकलती है, ठीक है, कहाँ दिया, ये देखिए दिया हुआ है, ठीक है, एग्जॉस्ट कैसे बाहर निकलती है, ये किसको घुमाती है, टर्बो चार्जर के टरबाइन वाले हिस्से को घुमाती है, टरबाइन को घुमाएगी, ये टरबाइन घूमेगा तो इसी से क्या जुड़ा हुआ है आपका, तीन नंबर, मतलब सेम शाफ्ट जुड़ा हुआ है और उसी में क्या लगा, कंप्रेसर। तो जब ये एग्जॉस्ट गैस इसे घुमाती है, तो सेम टू सेम यह वाले हिस्से में क्या होती है, अंदर आने वाली जो हवा है वो कंप्रेस हो जाती है इसी के पावर से, और किसको चलाती है, यह चलाती है किसके, आपको ये चलाएगी आपके कंप्रेसर को चलाएगी, और वायु कंप्रेस होकर कहाँ भेजा दी जाती है, आपके इंजन के भीतर बना पहुंचा दी जाती है। इस प्रकार से टर्बो चार्जर एफिशिएंसी बढ़ा देता है इंजन की, और इंजन की ताकत को, इंजन से चलने, टर्बो चार्जर को चलने के लिए इंजन से ताकत नहीं लेनी पड़ती। जबकि सुपर चार्जर में क्या होता है, सुपर चार्जर को हम कैसे चलाते हैं, इंजन की कैमशाफ्ट द्वारा ही चलाते हैं, ठीक है। टर्बो चार्जर दो प्रकार के होते हैं, FGT अर्थात फिक्स्ड ज्योमेट्री टर्बो चार्जर, आपको शॉर्ट फॉर्म याद रखना है,
शॉर्ट फॉर्म से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, एफजीटी वाले में से आपको याद रखना है कि वेस्ट गेट, इसमें क्या होते हैं वेस्ट गेट वॉल्व लगे हुए होते हैं जो कि क्या करते हैं इंजन की स्पीड को या इंजन के आउटपुट को कंट्रोल करते हैं। बस आपको इस चीज को याद रख लीजिए दोस्तों। ठीक है, क्या होते हैं वेस्ट गेट वॉल्व होते हैं किसमें, ज्योमेट्रिक टर्बोचार्जर टाइप, फिक्स्ड ज्योमेट्रिक टाइप टर्बोचार्जर में। ठीक है, अगला होता है दोस्तों वेरिएबल ज्योमेट्रिक टर्बोचार्जर। ठीक है, अब जैसा नाम है वेरिएबल, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, आपकी ज्योमेट्री कैसी होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। ठीक है, अब याद रखना वर्ड आता है एक्सपेक्ट रेशियो। एक्सपेक्ट रेशियो कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ क्या होता है ये जो वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर है उसमें एक्सपेक्ट रेशियो को चेंज किया जाता रहता है। एक्सपेक्ट रेशियो क्या होता है, एक्सपेक्ट रेशियो को आप साधारण भाषा में समझ सकते हो कि टर्बोचार्जर का साइज। ठीक है, जो बीच वाला रेडियस होती है उससे इसकी जो जहाँ से इनलेट एयर इनलेट इम्पेलर की जो संरचना रहती है, मतलब आप इसको सिंपल सा यह समझ सकते हो कि यह टर्बोचार्जर के साइज को बताती है, कौन सी, एक्सपेक्ट रेशियो। ठीक है, अब क्या होता है यार, एक्सपेक्ट रेशियो टू लार्ज होगा। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट रेशियो है तो टर्बोचार्जर क्या होगा, स्लो स्पीड में क्या करेगा, कर पाएगा, वो बूस्ट नहीं कर पाएगा, किसको, वायु को बूस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और एक्सपेक्ट रेशियो टू स्मॉल रहेगा, मतलब बहुत कम रहेगा, तो क्या होगा टर्बोचार्जर क्या करेगा, हाई स्पीड में चोक हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, आपको इसके एक्सपेक्ट रेशियो को एक लिमिट पे बनाकर रखना है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए आपकी जो न्यूमेटिक सिस्टम है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर। एक्सपेक्ट रेशियो होगा आपका किसका, चार्ज को प्रदर्शित करता है, इसके जो बीच वाले रेडियस है उससे कहां जो इनलेट इंपेलर होती है उसके बीच की दूरी या रेडियस को क्या कहते हैं अपन, एक्सपेक्ट रेशियो के अनुसार बांटते हैं, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है आपका, एक्सपेक्ट रेशियो कहलाता है। ठीक है, एयर क्लीनर। ठीक है, एयर क्लीनर नाम ही से स्पष्ट है, क्या करता है, एयर को क्लीन करता है। दो प्रकार के होते हैं, वेट टाइप, ड्राई टाइप। वेट टाइप में क्या होता है दोस्तों, यह इसमें क्या होता है जिसमें ऑयल के द्वारा वायु को क्लीन करा जाता है, मतलब वायु आके पहले किसमें होती है, ऑयल पे गिरती है, ऑयल पे क्या होते हैं डस्ट पार्टिकल जो भारी होते हैं वो ऑयल में चिपक जाते हैं। इस प्रकार का जो एयर फिल्टर होता है वो होता है आपका वेट टाइप का। और ड्राई टाइप में क्या होता है, पेपर के एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। अब आपको एयर फिल्टर में क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, एयर फिल्टर में या तो आपको डायग्राम बना के पूछ लेगा जैसे वेट टाइप का है और ड्राई टाइप का इस प्रकार का देखेगा, या तो आपको इससे डायग्राम, मतलब इससे डायग्राम से क्वेश्चन पूछेगा या एयर फिल्टर की लोकेशन पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दो चीजें आपको याद रखना है। फिर बात करें इंटेक मैनिफोल्ड की, तो इंटेक मैनिफोल्ड मैंने पहले बताया था काय का बना होता है, कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम का इंटेक मैनिफोल्ड बना हुआ होता है। ठीक है, आगे बात करें एग्जॉस्ट सिस्टम की, तो एग्जॉस्ट सिस्टम में सबसे पहले क्या आता है, मैनिफोल्ड और साइलेंसर। ठीक, मैनिफोल्ड एंड साइलेंसर। ठीक है, मैनिफोल्ड क्या होंगे, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जहां से जली हुई गैसें बाहर होती हैं। ठीक है, वो होता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। इनलेट मैनिफोल्ड बनाया जाता है एल्यूमिनियम या कास्ट आयरन का, जबकि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड हमेशा कास्ट आयरन का ही बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि यह ज्यादा गर्म चलता है। ठीक है, कई बार क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक वॉल्व दिया जाता है। ठीक है, एक वॉल्व दिया जाता है, किसमें दिया जाता है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में वाल्व दिया जाता है, इसका काम क्या रहता है, ये क्या करता है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में दिए गए वाल्व, ये जैसे ये आपको एयर का फ्लो दिख रहा है, यह वाल्व क्या करता है, यदि जब हमारा इंजन टू कोल्ड चलता है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा चलता है, तो ये एग्जॉस्ट गेट्स इस प्रकार से बनाई फ्लो कराई जाती है कि इनलेट मैनिफोल्ड जो होता है उसके आसपास से फ्लो होते हुए कहां जाती है, बाहर जाती है, जिसके कारण क्या होता है, आपके जो इनलेट से आने वाली गैसेस है वो कैसी हो जाती है, इन एग्जॉस्ट गैसों के कारण कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक है, और जब इंजन सामान्य गति करने लगता है तो इस वाल्व को, जो दो नंबर का वाल्व दिखाया जाता है, वो खोल दिया जाता है, जिससे सीधे एग्जॉस्ट गैस क्या हो जाती है, यहाँ से बाहर हो जाती है। तो ये आपके एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की संरचना होती है। ठीक है, एग्जॉस्ट पाइप क्या होते हैं, एग्जॉस्ट पाइप क्या होते हैं, ये कहाँ लगे होते हैं, एग्जॉस्ट पाइप लगे होते हैं जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है उससे लेके मफलर तक के जो पाइप होते हैं वो एग्जॉस्ट पाइप कहलाते हैं। ठीक है, बने होते क्या है कि स्टील के बने हुए होते हैं। ठीक है, बात करें मफलर के, मफलर का काम क्या है, यह क्या करता है, यह आपके मफलर क्या होता है, आपकी बॉडी की, जो व्हीकल की बॉडी उसके नीचे लगाया जाता है, और यह किस में लगाया जाता है, फ्लेक्सिबल माउंटिंग में लगाया जाता है। फ्लेक्सिबल माउंटिंग मतलब यह माउंटिंग कैसी होगी, फ्लेक्सिबल होगी, अर्थात रबर आदि के बीच में कोटिंग लगाई जाती है, जिससे यह मफलर कैसे रहे, फ्लेक्सिबल माउंटिंग में लगाया जाता है। मफलर का काम क्या होता है दोस्तों, मफलर का काम क्या होता है, आवाज को कम करना है, एग्जॉस्ट कैसे जो होती है ना उसके आवाज को कम करना। आपने सुना होगा गाड़ी में जब साइलेंसर नहीं रहते तो बहुत बेकार आवाज आती है। ठीक है, तो इसी एग्जॉस्ट की जो नॉइस है उसको कम करने का काम किसका है, आपका एग्जॉस्ट मफलर का काम, मफलर काम करता है। ठीक है, अब ये मफलर में आपको डायग्राम याद रखना है, मैं बता रहा हूँ जहाँ आपको मैं बोल रहा हूँ दोस्तों डायग्राम याद रखना है, वहाँ आपको डायग्राम याद रखने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ से डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं। पहला होता है रिवर्स फ्लो मफलर।
रिवर्स फ्लो मफलर आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। इसमें क्या होते हैं, स्मॉल पाइप, छोटे छोटे पाइप लगे हुए होते हैं। ये क्या करता है, साउंड को कम करता है। कैसे, क्योंकि इसमें एग्जॉस्ट गैस कैसे होती है, एक जिग जिग वे में, मतलब इस प्रकार से जिग जिग वे में फ्लो होती है, जिससे उनकी फ्लो होने की जो लंबाई होती है वो बढ़ जाती है और आवाज कैसी हो जाती है आपकी, कम हो जाती है। ठीक है, आवाज कैसी होगी आपकी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये मफलर दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट थ्रू मफलर, ठीक है, मतलब ये सॉरी मफलर एक क्या हो गया, रिवर्स फ्लो मफलर, और सेकंड है आपका स्ट्रेट थ्रू मफलर। स्ट्रेट थ्रू मफलर जैसा नाम वैसा काम। इसमें क्या होता है, एक पाइप होती है, दिख रही है आपको एक पाइप, ये सीधी सीधी पाइप होती है। इस पाइप में कैसे होते हैं, छोटे छोटे होल बने हुए होते हैं और आसपास कहता रहता है, आसपास आपका आपके ऐसा मटेरियल रखा होता है जो कि साउंड को कवर करे या साउंड को सोख ले। ठीक है, वायु असर से फ्लो होती है तो आपके ये जो साउंड एब्जॉर्ब करने वाली चीजें हैं वो क्या करती है, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती है या गैस के फ्लो को कम कर देती है, जिससे क्या हो जाता है आपका साउंड कम हो जाता है। अगला है आपका वेफल टाइप का। वेफल टाइप में आपको डायग्राम देखना है, इसमें क्या बनी होती है, वेफल, वेफल अर्थात कुछ नहीं होता, क्या होता है जो आपका सिलेंडर जो मफलर वाला हिस्सा रहता है उसमें क्या होता है, धातु के ऐसे प्रोजेक्शन बना दिए जाते हैं या रास्ते बना दिए जाते हैं, जिससे एग्जॉस्ट गैस फ्लो होने का जो मार्ग है वो लंबा हो जाता है और बैक प्रेशर क्रिएट होने के कारण साउंड कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, बैक प्रेशर क्या होता है दोनों दोस्तों, जो यदि एग्जॉस्ट फ्लो में कोई रुकावट पैदा करे, ठीक है, तो वो क्या करेगी, एग्जॉस्ट में अब गैसें बाहर नहीं निकल पाएगी तो वो बैक में मतलब पीछे की ओर क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी। ठीक उसी तरह से एग्जांपल याद रखिए, जैसे आप कहीं अगर जा रहे हैं ट्रेन, यदि जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, रोड में जा रहे हैं और किसी भी गेट में जा रहे हैं और गेट अचानक बंद हो जाता है, तो आगे वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, आगे तो जा नहीं पाते, तो वो कैसे होंगे, हल्का सा पीछे आएंगे, तो आपको क्या लगता है पीछे की ओर ढकला जाता है ना, उसी प्रकार आपका गैसें भी होती है। यदि बैक प्रेशर क्या होगा, यदि गैसे जो अपने आगे जाने वाले मार्ग में न जाके पीछे आकर थोड़ा सा प्रेशर दे रही, तो यह क्या कहलाता है आपका, बैक प्रेशर कहलाता है। ठीक है, अब ये क्या है, मफलर में बहुत सारी विधियां बताई है साउंड कम करने की। ठीक है, यह विधि क्या होती है, न्यूमेटिक टाइप की होती है जिसमें गैस के प्रेशर द्वारा साउंड को कम किया जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक टाइप की होती है जिसमें सेंसर आदि का प्रयोग करके हम जो साउंड है उसको कम करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। ठीक है, फ्लेक्सिबल कनेक्शन का मैंने बताया था। फ्लेक्सिबल कनेक्शन में क्या लगाया जाता है, बॉडी के नीचे फ्लेक्सिबल कनेक्शन अर्थात रबर के बोस आदि द्वारा इनको लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, ताकि जब गाड़ी चले तो कोई जर कर आने में है टूटे ना, या इनकी परफॉर्मेंस में कोई भी कमी ना आए। अगला है सिरेमिक कोटिंग की बात करें, सिरेमिक कोटिंग लगाई जाती काय में, आपके एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में सिरेमेटिक जो आपका मफलर उसमें सिरेमेटिक कोटिंग लगाई जाती है। सिरेमेटिक कोटिंग लगाने से फायदा क्या होता है, यह केमिकल और कोरोजन रेजिस्टेंस का काम करती है। ठीक है, जिससे कि मफलर की लाइफ बढ़ जाती है। अगला है कैटेलिटिक कन्वर्टर। ठीक है, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, याद रखना कैटेलिक कन्वर्टर। कैटेलिटिक मतलब होता है आपका उत्प्रेरक। ये क्या होते हैं, उत्प्रेरक जो क्या करते हैं, किसी भी प्रक्रिया की स्पीड को बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं कैटेलिटिक। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं, कैटेलिक कन्वर्टर का काम क्या होता है, ये मफलर कैटलिक कन्वर्टर मफलर के पहले लगाया जाता है। ये क्या होती है, जो जली हुई गैसें बाहर निकलती है ना दोस्तों, उसको क्या करता है, उससे प्रदूषण को कम कर देता है, मतलब जो ऐसे पार्टिकल जो कि प्रदूषण को फैलाते हैं उसको कम कर देता है। आपको याद रखना है कैटलिक कन्वर्टर में प्लेटिनम और पैलेडियम की क्या होती है, कोटिंग होती है। ठीक है, और यही प्लेटिनम और पैलेडियम की कोटिंग करती है, उत्प्रेरक का काम करती है। ठीक है, ये क्या करती है, यह कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को नाइट्रोजन गैस में, और हाइड्रोकार्बन को कैसे कर देती है, आपकी जल वाष्प में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, और यह कहाँ लगे होते हैं, यह आपके टेल पाइप के पहले, मतलब जो आखिरी में आपका पाइप लगा रहता है उसके पहले कैटेलिक कन्वर्टर लगाए जाते हैं मफलर के पहले। आई होप आपको समझ में आया होगा कैटेलिक कन्वर्टर। ठीक है, इसका काम क्या है, प्रदूषण को कम करना। आगे बढ़े तो फ्यूल फीड सिस्टम में बात करते हैं दोस्तों, पेट्रोल इंजन की बात हो रही है। ठीक है, अब आप डीजल इंजन पढ़ रहे हैं तो इसका जरूरी नहीं है कि आपको पेट्रोल के बारे में कुछ नहीं पूछ सकता है, यहाँ पूछ सकता है पूरा। ठीक है, तो जो तीन टाइप के सिस्टम होते हैं, ग्रेविटी फीड सिस्टम, वैक्यूम फीड सिस्टम और फोर्स फीड सिस्टम। ग्रेविटी फीड सिस्टम जो आपने आपकी सिंपल टू व्हीलर में देखा होगा, क्या होता है, इसमें पेट्रोल टैंक ऊपर लगा होता है, किसके ऊपर, कार्बोरेटर के जो लेवल है, कार्बोरेटर का जो लेवल है उससे यदि फ्यूल टैंक ऊपर लगा हुआ है तो यह सिस्टम क्या है आपका, ग्रेविटी फीड सिस्टम। ठीक है, अगला होता है आपका वैक्यूम फीड सिस्टम। वैक्यूम फीड सिस्टम में क्या होता है, जो आपका वाटर टैंक है, या सॉरी वाटर टैंक बोल रहा हूँ, आपका जो फ्यूल टैंक है वो कहाँ लगा होता है, कार्बोरेटर के
नीचे लगा हुआ होता है, मतलब कार्बोरेटर का जो लेवल है उसके नीचे लगा हुआ होता है। और फोर्स फीड सिस्टम में क्या होता है, कार्बोरेटर के बहुत दूर लगा हुआ होता है और इसको क्या करते हैं, एक आपका जो पंप रहता है, जो पंप रहेगा फ्यूल पंप, उसके द्वारा आपके इसके द्वारा उसके द्वारा आपका फ्यूल पंप द्वारा आपके जो कार्बोरेटर है वहां तक आपका फ्यूल भेजा जाता है। ठीक है, कार्बोरेटर की बात हो रही है, मतलब ये कौन सा इंजन है दोस्तों, पेट्रोल इंजन है। लेकिन आजकल की गाड़ियों में कार्बोरेटर भी हटा दिया गया है, कार्बोरेटर की जगह थ्रोटल बॉडी प्रयोग की जाती है और MPFI सिस्टम अर्थात मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक है, बात करें फ्यूटर इनके कंप जो आपका फ्यूल फ्यूल टैंक की, तो फ्यूल टैंक का जो मटेरियल होता है दोस्तों वो होता है गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील का बना होगा या एल्युमिनियम अलॉय एलॉय की बनी हुई होगी और इसके बीच अंदर भी क्या लगे होते हैं, वेफल बने होते हैं। वेफल ये होते हैं दोस्तों, ये जो चार नंबर में दिखा रहे हैं दोस्तों, ऐसे वेफल बने हुए होते हैं, मतलब एक प्रकार के पार्टीशन है टैंक में। ऐसे पार्टीशन बनाने से क्या होता है, फ्यूल में ज्यादा क्या होता है, फ्यूल में ज्यादा मोशन नहीं होती और फ्यूल स्थायी रहता है। ठीक है, आगे बात करें इसके जो टैंक होता है उसके ऊपर एक फिलर कैप लगी होती है, ढक्कन लगा हुआ दोस्तों, इसमें एक सील लगी होती है जिससे कि आपका फ्यूल आदि उड़े ना, साथ ही साथ इसके ऊपर ढक्कन में एक होल हो रहता है जिससे कि होगा कि होल होने के कारण क्या होता है, जो प्रेशर है टैंक के भीतर का वो कैसा होता है, एटमोस्फेरिक बना हुआ होता है। ठीक है, नीचे एक ड्रेन प्लग लगा हुआ होता है नीचे की ओर, या ड्रेन प्लग का काम क्या होता है, फ्यूल टैंक को साफ करने के दौरान होता है। और जो फ्यूल ट्यूब होती है, जो ट्यूब मतलब जो फ्यूल को खींचती है, वह हमेशा जमीन से अर्थात इसके जो ग्राउंड लेवल है उससे आधा इंच ऊपर रखी जाती है जिससे कि हो या अगर जो वाटर के पार्टिकल आदि नीचे जमा हो गए हैं वो इसके साथ खींचे ना। ठीक है, आगे बात करें फ्यूल फीड पंप की, फ्यूल फीड पंप कि में क्या होगा दोस्तों, फ्यूल फीड पंप का काम ही है कि करना है इसको फ्यूल को भेजना है किसके अंदर, कार्बोरेटर के पास भेजना है। ठीक है, क्योंकि हम पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं इसलिए हम कार्बोरेटर का प्रयोग कर रहे हैं, आगे डीजल इंजन की बात भी आएगी। ये दो प्रकार के होते हैं मैकेनिकल टाइप, तो मैकेनिकल टाइप में याद रखना ये चलते कैमशाफ्ट से है और इसमें लगी होती है डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या होती है, रबर की आपकी एक आकृति होती है, ये देखिए छह नंबर जो ये जो तीन नंबर दिखाया गया क्या है, रबर की डायाफ्राम है। आपने देखा होगा कई बार जो डायाफ्राम कैसी होगी, ये वायु को सक करने का काम करती है। ठीक है, को सक कर सकती है या पेट्रोल को सक कर सकती है, ये काम किसका है, डायफ्राम का है। ठीक है, मैकेनिकल टाइप के फ्यूल पंप में क्या होगा, ये कैमशाफ्ट दिखाई गई है, कैमशाफ्ट आपके रेसिप्रोकेट मोशन करेगी तो ये आपके डायफ्राम कैसा होगा, ऊपर नीचे गति करेगा जिससे फ्यूल खींचेगा और सप्लाई होगा। ठीक है, यही है आपका मैकेनिकल सिस्टम। सेकंड बस आपको याद रखना है, ये मैकेनिकल सिस्टम होगा, सेकंड होगा आपका दोस्तों इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम में याद रखना बस आपको, इलेक्ट्रिकल भी दो प्रकार के होते हैं, डायफ्राम टाइप या बेलोस टाइप। ठीक है, दोनों की वर्किंग सेम टू सेम बस इतनी रहेगी कि जो आपको याद रखना है इलेक्ट्रिकल वाले में, इसमें सोलेनाइड का प्रयोग होता है। अभी सोलेनाइड क्या होता है, तो आप जानते हैं दोस्तों जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो क्या बन जाता है, चुंबक बन जाता है। तो सोलेनाइड में भी कुछ नहीं होता, एक कॉयल होती है, कॉयल अर्थात तारों को लपेटा कर गोल गोल घुमा के लपेट बना दिया जाता है। जब इसमें विद्युत सप्लाई की जाती है तो ये क्या बनता है, आपका मैग्नेट बनता है, और जब विद्युत सप्लाई तोड़ दी जाती है तो क्या बन जाता है, ये सिंपल आपका तार बन जाता है। इसके बीच में एक आर्मेचर डाल दिया जाता है दोस्तों, और यही ये जैसे ये दिखाया हुआ ये आपकी कॉइल है, ये एक नंबर कॉइल दिखाई है, बीच में क्या है आपका आर्मेचर है, कॉन्टेक्ट पॉइंट है, और यहाँ से आपकी बैटरी जोड़ दी जाती है। जैसे ही अगर सप्लाई आती है इसमें विद्युत धारा की सप्लाई आती है बैटरी द्वारा, तो क्या होगा, आर्मेचर चुंबक बनेगा जिससे वो सॉरी ये जो कॉइल है सोलेनाइड की वो चुंबक बनेगी जिससे आर्मेचर नीचे जाएगा, संपर्क टूट जाएगा, संपर्क टूटने के कारण क्या होगा, स्प्रिंग पुनः आर्मेचर को ऊपर की ओर ढकेलेगा, फिर संपर्क जुड़ेगा, फिर नीचे जाएगा। यह प्रोसेस लगातार चलती रहेगी जब तक कि इसमें विद्युत की सप्लाई होती रहेगी। ठीक है, बस यही काम है इसका इलेक्ट्रिक वाले फ्यूल पंप का। बस आपको इसमें याद रखना है कि इसमें सोलेनाइड का प्रयोग किया जाता है, और सोलेनाइड जो होता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ आपका आज की क्लास यही खत्म करते हैं दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे आप डीजल इंजन फ्यूल सप्लाई सिस्टम के बारे में। धन्यवाद।